नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी, हर प्रयास महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान में शामिल होने की अपील की है। राष्ट्रपिता ने जीवन भर स्वच्छता पर जोर दिया था। नहीं दिए कोई सबूत सियासत के लिए आतंकियों को दे रहा पनाह। विदेश मंत्री एस जयशंकर की कनाडा को खरी खरी, सबूत पेश नहीं कर पाए जस्टिन ट्रूडो। फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिंसा भड़काने के लिए न हो इस्तेमाल। इशारों में विदेश मंत्री जयशंकर ने दी कनाडा को नसीहत। दूतावास पर हमले को लेकर यूएस के साथ बात की है। भारी बारिश के बीच चेन्नई में पेट्रोल पंप की छत ढह गई। एक शख्स की मौत, 7 लोग जख्मी। राहत और बचाव में जुटे नगर निगम कर्मचारी। फंड की कमी के चलते अफगान दूतावास ऑपरेशन सस्पेंड करने को मजबूर। राजनयिकों के सामने संकट। संकट को देखते हुए भारत चिकित्सा सहायता पहुंचा रहा है। मेनका गांधी को इस्कॉन ने 100 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा। कहा न्याय की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेनका ने इस्कॉन को धोखेबाज संगठन करार दिया। कश्मीर में बीजेपी ने 8 नेताओं को जारी किया नोटिस। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के हैं आरोप। पार्टी ने शपथ पत्र सौंपने की बात कही। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सीएम केजरीवाल ने जारी किया है 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान। विंटर एक्शन प्लान के तहत 13 हॉटस्पॉट के लिए विशेष योजना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार। राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए संवैधानिक पदाधिकारियों को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। कानून बना महिला आरक्षण बिल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। 33% महिला आरक्षण बना कानून। गजट नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी के बयान के मामले में दानिश अली ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठियां। दुनिया देख रही है, जरूरी कार्रवाई करें। मन की बात में भी संज्ञान नहीं लिया। G20 में दिल्ली के सौंदर्यीकरण को करोड़ों लगे हैं। अब हाल बदहाल, 30% पिलर टूटे, मैनहोल में ही धंसे। 32 करोड़ से हुआ था ब्यूटिफिकेशन। गलवान के बाद दुनिया ने माना भारत का लोहा। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का बड़ा बयान, हम अपने राष्ट्र हित के लिए दृढ़ रहे हैं। केरल में भारी बारिश की चेतावनी। 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। दक्षिण भारतीय राज्यों में बारिश के आसार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया इंक के लिए स्केल और साइज बदलने का सही समय। अर्थव्यवस्था में तेज गति से हो रही वृद्धि, कारोबार की दिशा बदलने का वक्त। हजार के नोट बदलने का आखिरी मौका। नोट बदली का आखिरी दिन आज 30 सितंबर तक बदले जाएंगे 2000 के नोट। 19 मई 2023 तक चलन में मौजूद 2000 के बैंक नोटों में से 93% वापस आ गए। औरैया में मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। चिकित्सकों ने लोगों को जागरूक किया है। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि मानसिक रूप से लोग ज्यादातर पीड़ित हैं। हरदोई में घर की छत पर मिला महिला चिकित्सक का शव। कई सालों से अवसाद से जूझ रही थी चिकित्सक। पहले ब्लेड से कलाई काटी, फिर लगा ली आग। लोकसभा चुनाव की बारी, किसकी तैयारी है भारी। 2024 के जग बीजेपी का प्रण। भूपेन चौधरी की अध्यक्षता में फिर होगा मंथन।
रायबरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने चोरी किए लाखों रुपए। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। टप्पेबाजी की सूचना पर कोतवाली पुलिस टप्पेबाजों की तलाश कर रही है। सुल्तानपुर में गणपति बप्पा की प्रतिमा विसर्जित की गई। धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा। ढोल नगाड़े की धुन पर थिरकते नजर आए श्रद्धालु। विसर्जन यात्रा को लेकर भक्तों में उल्लास। लखनऊ में महापौर की अध्यक्षता में नगर निगम की बैठक। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत होगी बैठक। एक घंटा स्वच्छता के लिए शासन ने दिए निर्देश। आगरा में ठगों ने तीन महिलाओं को बनाया अपना शिकार। फकीर के रूप में आए थे ठग। एक महिला ने उतरवाई है ज्वेलरी। महिला से लिए रुपए एंट। बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मकान का ताला तोड़कर लाखों की नकदी पार की है। गोंडा में अवैध खनन की शिकायत पर हुई छापेमारी। छापेमारी में 3,553 घन मीटर बालू बरामद। आरोपी को नोटिस जारी कर मांगा गया जवाब। गोंडा में दबंगों ने महिला और बेटी को लाठी डंडों से पीटा। बचाने पहुंचे परिजनों पर भी दबंग हुए हमलावर। पुलिस बनी मूक दर्शक। हमीरपुर में हाईवे के किनारे दो दुकानों में घुसा ट्रक। चालक की लापरवाही के चलते दुकानों में जाकर घुसा ट्रक। दुकान के ऊपरी मंजिल में सो रहे लोग बाल बाल बचे। हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने की आत्महत्या। घर के कमरे में फांसी लगाकर की आत्महत्या। घरेलू कलह के चलते फांसी लगाकर की आत्महत्या। यूपी में आईएएस अफसरों के तबादले। आईएएस सत्येंद्र कुमार को डीएम बाराबंकी बनाया गया। आईएएस अनुनय झा को डीएम महाराजगंज बनाया गया है। कानपुर में बिकरू कांड में आरोपी के साथी के खिलाफ शिकायत। जय वाजपेयी के साथ के खिलाफ थाने में शिकायत। घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप है। कानपुर के जाजमऊ में दबंग के हौसले बुलंद। एक नाबालिग बच्चे को पीटने का वीडियो वायरल। थाना जाजमऊ केकेडीए कॉलोनी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा का मिला शव। घर के अंदर कमरे में पड़ा मिला छात्रा का शव। छात्रा के शव को देखकर परिजनों में मचा कोहराम। लखनऊ में विवाहिता सपना यादव के सुसाइड का मामला। परिजनों की तहरीर पर पति समेत नौ पर दर्ज हुआ केस। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में अनुरक्षण माह कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। 1 से 31 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। 1 अक्टूबर को सफाई अभियान चलाने के निर्देश। लखनऊ में गड्ढा मुक्त अभियान की खुली पोल। रिंग रोड के टीडी पुलिया चौराहे पर हैं गड्ढे। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों की हुई अवहेलना। लखनऊ में साइबर ठगों का शिकार बना पीआरओ। पीआरओ के खाते से 1,20,000 रुपए पार। पीआरओ ने कोतवाली में धोखाधड़ी का दर्ज कराया केस। लखनऊ में एक बार फिर आई चर्चा में समिट बिल्डिंग। पार्टी का न्याय। युवतियों से मारपीट करते नजर आए बाउंसर। पुरुष बाउंसर का युवती से अभद्रता। प्रतापगढ़ में पहली महिला एसओ बनी रेखा देवी। कोढ़ौर थाने की कमान संभालेंगे उपनिरीक्षक। एसपी ने उपनिरीक्षकों को कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया है। उन्नाव में प्राचीन शिव मंदिर लोधेश्वर में खूनी तांडव। एक विशेष समुदाय के युवक ने मंदिर पर किया तांडव। युवक ने मंदिर में आए भक्तों पर किया ताबड़तोड़ हमला। आगरा के जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री के पास कई दुकानों में भी लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां।
उत्तर प्रदेश में डेंगू बरपा रहा है कहर, दो मरीजों के इलाज के दौरान मौत, 24 घंटे में डेंगू के 28 मरीज मिले। यूपी में रविवार को खुलेंगे सभी स्कूल, दो महीनों में तीसरी बार सरकारी आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया निर्देश। प्रयागराज में 29 सितंबर को ही पितृपक्ष की शुरुआत, हिंदू धर्म में 3 स्थानों पर होता है पिंडदान, पितृपक्ष की पूर्णिमा को श्राद्ध के साथ इसकी शुरुआत हुई। लखनऊ में महापौर की अध्यक्षता में नगर निगम की बैठक, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत बैठक, एक घंटा स्वच्छता के लिए शासन ने दिए निर्देश। लखनऊ में खाकी ने निभाया फर्ज, बुजुर्ग को पहुंचाए घर, थानेन्द्रा नगर के पुलिस ने किया सराहनीय काम, वृद्ध महिला को सकुशल खोजकर पहुंचाया गया घर। देहरादून से उत्तरकाशी तक एक ही सुरंग से गुजरेगी गाड़ी रेलगाड़ी, रेल लाइन से छुड़ेंगे गंगोत्री यमुनोत्री कोठी कॉलोनी तक प्रस्तावित सुरंग। चमोली में दर्दनाक हादसा, बिजली गिरने से देवर भाभी की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जोशीमठ में एनएचआई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जमीन के भीतर जमा पानी के कारण बना हाइड्रोस्ट्रिक दबाव था, घरों में पड़ी थी दरारें, पानी बहने के मिले निशान। शहर में नहीं उजड़ेंगे खतरे की जद में आए आशियाने, सरकार ने तैयार किया खास प्लान, प्राधिकरण ने निविदा आमंत्रित कर दी है। हरिद्वार में भजन सम्राट के साथ सुर मिलाने पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य, स्वामी राजेश्वराश्रम महाराज, जनता निहाल, लोगों ने कार्यक्रम का जमकर आनंद उठाया। लोकसभा चुनाव की तैयारी, उत्तराखंड में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, झुग्गी झोपड़ी के पास बनेंगे मतदान केंद्र। ब्रिटेन से लौटे सीएम धामी ने की घोषणा, बनाया जाएगा उत्तराखंड अप्रवासी प्रकोष्ठ, अप्रवासियों के निवेश संबंधित प्रस्ताव पर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा में मुजफ्फरनगर का गैंगस्टर गिरफ्तार, मुख्य आरोपी वर्मानी के साथ मिलकर किया खेल, गैंगस्टर ने धोखाधड़ी को अधिवक्ता कमल वर्मानी के साथ मिलकर अंजाम दिया है। उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने कार्बेट पार्क में चिप्सी पंजीकरण प्रक्रिया पर लगाई रोक, निदेशक से जवाब तलब, निदेशक कार्बेट पार्क को जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश। उत्तराखंड ने देशभर में मनाया रिकॉर्ड स्वैच्छिक रक्तदान के लिए 1 लाख लोग आएंगे आगे, आयुष्मान भव अभियान के तहत सेवा पखवाड़े का आयोजन। उत्तराखंड में खेल रत्न और द्रोणाचार्य पुरस्कारों के लिए खेल विभाग ने मांगे आवेदन, शासन ने हिमाचल पुत्र पुरस्कार के लिए 2022 में शासनादेश जारी किया था। उत्तराखंड के कीर्ति नगर में नाबालिग से दुष्कर्म, लोगों ने आरोपी का सिर मुंडवाकर पोती खाली बाजार में घुमाया। उत्तराखंड के लालकुआ में 80 करोड़ से लगेगा ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट, मशीनों से होगी हो टेस्टिंग से लेकर पैकेजिंग, 2600 दुग्ध सहकारी समितियों से 50,000 से ज्यादा किसान जुड़े। मेरठ से उर्स में आए दंपति का गोद लिया 2 महीने का बेटा लापता, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। अश्विन मित्तल को रिमांड पर उसके घर ले गई पुलिस, मिली पावर ऑफ अटॉर्नी, कई चेकबुक और पासबुक, कुछ विदेशी खातों के बारे में भी जानकारी मिली है। पाकिस्तान में होती आत्मघाती हमलावरों की बिक्री, 58 मौतों का आईएसआईएस या कोई और जिम्मेदार, पूर्व आतंकी ने बताया कैसे होती है भर्ती और ट्रेनिंग।
पाकिस्तान सुसाइड ब्लास्ट चश्मदीद बोला, मेरे आसपास लाशें बिखरी थी। 58 लोगों की मौत, ईद मिलाद के जुलूस के लिए इकट्ठा हुए थे लोग। न्यूयॉर्क में बारिश, गवर्नर ने इमरजेंसी का ऐलान किया, कहा यह जानलेवा तूफान, 20 घंटे सावधान रहने की जरूरत, बाढ़ वाली सड़कों पर यात्रा करने की कोशिश न करें। भारत से बेहतर रिश्ते चाहता है कनाडा, पीएम ट्रूडो के बदले सुरनजर की हत्या का आरोप लगाने के 11 दिन बाद ट्रूडो बोले, दुनिया में इंडिया का महत्व बढ़ा। भारत में अफगान एम्बेसी बंद हुई, राजदूत पर दोनों देशों में तनाव बढ़ाने की कोशिश का आरोप, तालिबान बोला इसे हमने नियुक्त नहीं किया। पाकिस्तानी सरकार मौलिक अधिकारों का कर रही उल्लंघन, यूएन में गुंजा, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनवा में लोगों के जबरन लापता होने का मुद्दा। कंगाल पाकिस्तान फिर चीन और सऊदी अरब के आगे गिड़गिड़ाया, मांगे 11 अरब डॉलर की मदद, जनवरी के आखिरी सप्ताह में होगा चुनाव। गुम हुआ सबसे खतरनाक आतंकवादी हाफिज सईद का बेटा, 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड का रो रोकर बुरा हाल, हाफिज सईद के घर पर हो चुका है हमला। पुतिन के फेवरेट एंड्री ड्रेवशेव बने वैग्नर ग्रुप के नए चीफ, रूसी सेना के साथ मिलकर कर रहे काम, यूक्रेन युद्ध को लेकर बनाई नई रणनीति। पाकिस्तान पहुंची रूसी लाखों टन एलपीजी की पहली खेप, पाकिस्तान सरकार परेशान, रूसी दूतावास ने दी है जानकारी। एलन मस्क की दो कंपनियों में किराए के भुगतान को लेकर तनातनी, एक्स ने एटलस के खिलाफ किया है मुकदमा, मैन फ्रांसिस्को सुपीरियर कोर्ट में मुकदमा दायर। कर्ज को लेकर जमकर खरीदारी कर रहे हैं लोग, पर्सनल लोन में 30.8% का जो उछाल, सबसे ज्यादा कर्ज हाउसिंग में गया है। लखनऊ अर्बन के कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द, ग्राहकों को बीमा दावा राशि के रूप में मिलेंगे 5 लाख रुपए, बैंक अपने जमाकर्ताओं को भुगतान करने में असमर्थ। करवानूर सहकारी बैंक घोटाले में कन्नन ने ईडी से फिर पूछताछ की है, बाहर निकलकर बोले माप का नेता, अधिकारियों के साथ बातचीत सहज रही। सरकार ने चुनावी ब्रांड की 28वीं किस्त को दी है मंजूरी, 4 अक्टूबर को शुरू होगी बिक्री, चुनाव की तारीखों को घोषणा जल्द करने की संभावना है। शेयर बाजार में हरियाली लौटी, मजबूत खरीदारी से सेंसेक्स 320 अंक चढ़ा, निफ्टी 19638 पार पर है, बाजार के सभी सेक्टर निशान पर कारोबार करते दिखे। अवैध कारोबार, संगठित अपराध, आतंक के नेटवर्क को ध्वस्त करने की जरूरत, बोले अनुराग ठाकुर, फिक्की एक कार्यक्रम में बोल रहे थे मंत्री अनुराग ठाकुर। सोना 250 रुपए सस्ता हुआ, चांदी 1200 रुपए मजबूत हुई, गांधी ने कहा कि सप्ताह की शुरुआत से ही सोने में गिरावट का रुख बना हुआ है। राजकोषीय घाटा 5 माह में बढ़कर 36% खर्च भी 37.1% पहुंचा, सीजी ने जारी किए आंकड़े, शुद्ध कर के रूप में 8.03 लाख करोड़ की कमाई। रूस से सस्ता तेल लेने के लिए मोल भाव पर उतरा पड़ोसी, $7 प्रति बैरल का कैप लगाने की मांग भी कर रहा है। एशियाड के 6ठे दिन शूटर्स ने दिलाए 2 गोल्ड, भारत को मिले 8 मेडल, बॉक्सिंग में निखत ने ओलंपिक कोटा भी लिया। न्यूजीलैंड ने छक्का लगाकर जीता वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच, 345 रन बनाकर भी 5 विकेट से हारा पाकिस्तान, बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया।
वार्म मैच से पहले तिरुवनंतपुरम में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स की मस्ती, बारिश से प्रैक्टिस सेशन कैंसिल, नीदरलैंड के खिलाफ पहला मैच। वर्ल्ड कप ओपनिंग मैच नहीं खेलेंगे न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन, पूरी तरह फिट नहीं, टीम का पहला मैच मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड से। न्यूजीलैंड के सामने बौना साबित हुआ पाकिस्तान का विशाल स्कोर, रचिन रविंद्र और मार्क चैपमैन ने दिलाई जीत, विलियमसन ने जोड़ा अर्धशतक। बांग्लादेश ने श्रीलंका को रौंदा, 48 गेंद पहले 7 विकेट से चटाई धूल, मेहंदी ने किया कमाल, कप्तान मेहंदी हसन, मिराज ने दिया तांजिद का पूरा साथ। किरण बालियान ने गोल फेंक में जीता ब्रांच, भारत की झोली में आया 33वां मेडल, शूटिंग के इवेंट्स में अब तक काफी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। किसान पिता ने बेटे को कर्ज लेकर राइफल दिलाई, अखिल ने विदेशी धरती पर तमकों की लाइन लगाई, खेल के साथ पढ़ाई में अव्वल रहा है अखिल। सत्रह साल की पलक गुलिया बनी गोल्डन गर्ल, चार साल पहले ही शूटिंग चुनी, ओलंपिक पदक जीतना है सपना। टेबल टेनिस के पुरुष एकल में शरत साथियान हराकर बाहर, टेनिस में बोपन्ना रुतुजा की जोड़ी फाइनल में, शरत और जी साथियान की जोड़ी हार गई। दर्शकों को पसंद नहीं आई विवेक अग्निहोत्री की द वैक्सीन वॉर, दूसरे दिन औधे मुंह गिरे, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई पूरी थ्री। फुकरे थ्री ने बॉक्स ऑफिस पर मारी है बाजी, फिल्म में दूसरे दिन क्या शानदार कलेक्शन, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर से हुई टक्कर। बेबी के जन्म के बाद तुरंत काम पर लौटना चाहती है दिशा परमार, बोली मैं लंबा ब्रेक नहीं लेना चाहती हूं, मैं एक साल के अंदर ठीक होकर वापस लौटना चाहती हूं। चुरा के दिल मेरा गाने के रिमिक्स पर भड़के कुमार सानू, अनु मलिक के साथ वर्क एक्सपीरियंस शेयर कर कहा वो खड़ूस टाइप के हैं, कभी किसी का हौसला नहीं बढ़ाते। एक बार फिर लौट रहे रॉकी भाई यश की केजीएफ 3 की रिलीज डेट का हुआ खुलासा, सलार से है गहरा कनेक्शन। राजनीति की शायद शादी का इनसाइड वीडियो, अपने दूल्हे राघव को देखकर छिपी परिणीति, बहन को दुल्हन बनते देख भाई इमोशनल। शादी के बाद सामने आई परिणीति राघव की हल्दी सेरेमनी से तस्वीर, पिंक आउटफिट में नजर आई एक्ट्रेस तो चश्मा लगाए दिखे दूल्हे राजा। रकुलप्रीत ने खास तस्वीरें शेयर कर बताया पर्दे तक पहुंचने का सफर, ऑडिशन से लेकर रिजेक्शन का किया जिक्र, लिखा सपने आसान नहीं थे। फिल्म गणपत का टीशर रिलीज, भ्रष्टाचार से परेशान लोगों के लिए टाइगर बनेंगे मसीहा, नेवर सीन अवतार में दिखी कृति सेनन, बिग बी भी नजर आए। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, शहनाज गिल ने इंडस्ट्री को लेकर क्या शॉकिंग खुलासा कहा, बॉलीवुड में आपको अपना फिगर मेंटेन करके रखना पड़ता है। आज के शतक में बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।